प्यारे बच्चों, देखो जैसे कल 16 तारीख के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट को मैंने एनालाइज किया, जो क्वेश्चंस आए थे केमिस्ट्री में मेमोरी बेस्ड ऑफ कोर्स, वो हमने अपने यूट्यूब चैनल मोहित त्यागी वाले चैनल पर हमने लाइव के थ्रू बच्चों को इनपुट्स दिए हैं। बट मुझे लगा कि कुछ बच्चे हो सकता है लाइव नहीं रहे हों, तो मैं उनको इनपुट दे दूँ। कल के दोनों पेपर और आज 17 तारीख के मॉर्निंग पेपर को देख करके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खासकर वो स्टूडेंट्स जो कल मतलब 18 तारीख को जो मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में जाने वाले हैं, उनके लिए ये यूजफुल पॉइंट हो सकता है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि उन्होंने फिजिकल का सारा पोर्शन, मोस्ट ऑफ द पोर्शन, वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में डाल दिया है। और मेनली जो एमसीक्यू है उसके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पूछा हुआ है। ऐसे में कुछ बच्चों के जो चैप्टर्स मान लो थोड़े कम हुए हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरा फिजिकल में भी 3-4 चैप्टर छूटे हुए हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी 2-2 3-3 चैप्टर छूटे हुए हैं, मैं क्या करूं, या मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो मुझे लगता है कि घबराने की बात नहीं है। अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर कम है, तो मैं ये कहूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मत दो। आपके पास टाइम भी नहीं है, कल का एग्जाम लिखने वाले हो आप तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को अच्छे से रिवाइज करके जाओ। फिजिकल का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो दूसरे वाले पार्ट में आ रहा है, जिसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं। और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में सुनो, 10 में से 5 करने हैं, और आपने मान लो कोई 2-3 चैप्टर नहीं किए कि मैंने इलेक्ट्रो नहीं पढ़ा सर, मैंने थर्मो नहीं पढ़ा, मैंने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा, तो ठीक है, 3 चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ गए, एक तरीके से वो 10 में से 5 करने हैं, आपके ऑप्शंस में से निकल जाएंगे एक तरीके से, बाकी के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपको वो 3 चैप्टर्स में से अगर क्वेश्चन मान लो न्यूमेरिकल टाइप में आते हैं और वहां छोड़ करके आप बाकी के 5 भी कर लेते हो, तो इट इज एज गुड एज अटेम्प्टिंग 100% ऑफ द मार्क्स। तो दैट वे यू शुड बी मोर फीलिंग, यू शुड फील मोर कॉन्फिडेंस। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अटेम्प्टिंग गुड पेपर। अच्छे मार्क्स लाने में कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है। आप कॉन्फिडेंट हैं तो 60-70% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और यदि कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, घबराहट हो रही है, नर्वस हैं, एंग्जाइटी है, तो पता चलेगा 90 और 100% अगर आपने सिलेबस फिनिश किया है तो भी हो सकता है कि आपके नंबर रिलेटिवली कम आ जाएं। अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना कॉन्फिडेंस ना खोएं। और फिजिकल केमिस्ट्री के 1-2 चैप्टर या कोई इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का भी 1-2 चैप्टर अगर मान लो आपका नहीं भी हुआ हुआ है, तो डोंट लूज योर हार्ट, यू आर गोइंग टू डू वेल इन द एग्जाम। इस फीलिंग के साथ एग्जाम को लिखें, खासकर जो 18 तारीख कल को बच्चे देने जाने वाले हैं इस एग्जाम को। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।